सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। राम राम जय जय श्री राम, राम राम जय। भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। ऐसे ही राम मंदिर की बात कर रहे हैं जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर हो। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है। तो ये मेरी तो समझ में नहीं आता, भगवान तो सबके हैं ना। मंदिर हो, मस्जिद हो, मदरसे हो, उसमें राजनीतिक लोगों का क्या काम। मोदी जी आप जाएंगे और राम मंदिर की पूजा, मंदिर की पूजा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आ रहे हैं। राम मंदिर दिन बीजेपी does not consider Ram as an important thing, but their political gain becomes important. 600 साल से ज्यादा का ये संघर्ष है, लेकिन ये अगर हो पा रहा है तो ये आज मोदी सरकार की वजह से हो पा रहा है। खुद ही जिस पेड़ पे बैठे विपक्ष है उसको काट रही है। इस देश की संस्कृति को नष्ट करने की बात करोगे तो तुम्हें कोई समर्थन करेगा? तो देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देखिए, भारत के इतिहास में शायद संभवतः पहली बार होगा जब साल में एक बार नहीं दो बार दीपावली मनाई जाएगी। अब यहां पे जितने भी लोग होंगे संभवतः मेरा चेहरा देख रहे होंगे, भाई साल में दो बार दीपावली कैसे बनेगी? भाई एक दीपावली अभी अगले महीने है और दूसरी दीपावली मनेगी कब? कब बनेगी? देखिए 22 जनवरी भी एक तरह की दीपावली है हिंदुस्तान के लिए और 140 करोड़ भारतीयों के लिए, क्योंकि 497 सालों का इंतजार जो है वो खत्म होने जा रहा है। दीपावली मनेगी 22 जनवरी को कितने बजे? 12:30 बजे। देखिए 12:30 बजे टाइम नोट कर लीजिए, 22 जनवरी 12:30 बजे 22 जनवरी को दीपावली है जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके साक्षी खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि भगवान राम का 14 साल का नहीं, इस बार 497 कितने वर्षों का? देखिए 497 वर्षों का वनवास खत्म होगा, क्योंकि अगर वाल्मीकि जी ने रामायण कलयुग में लिखी होती तो वो बताते 22 जनवरी 2023 को प्रभु श्री राम 500 सालों का अपना दूसरा वनवास खत्म करके अयोध्या लौटे, यानी कि 500 साल बाद अयोध्या की उसी पुण्य भूमि पर प्रभु श्री राम की फिर से ताजपोशी होगी। प्रभु श्री राम की ताजपोशी बहुत परेशान है, विघ्न संतोषी, क्यों मैं आपको बताता हूं। देखिए इस पावन पल में कड़वाहट घोलने के लिए कूद पड़े कुछ विघ्न संतोषी। सनातन को डेंगू मलेरिया बताने वाली डीएमके ने भगवान राम को फिर से मिथ्या बता दिया। डीएमके के नेता टीकेएस एलनगोवन ने कहा कि भगवान राम तो मिथ्या है, कल्पना है, पौराणिक कथा और बीजेपी इतिहास को माइथोलॉजी से रिप्लेस कर रही है। तो सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण सिर्फ एक पार्टी को दिया गया। क्या भगवान राम सिर्फ एक पार्टी तक सीमित है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां क्यों जा रहे हैं? उनको न्योता क्यों दिया जा रहा है? इस तरह के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब राम को देखिए सबके हैं, तभी तो तुलसीदास जी ने लिखा सब पर राम तपस्वी राजा। लेकिन अदालत ने एफिडेविट देकर राम को कल्पना तो कांग्रेस ने ही बताया था काल्पनिक। राम सेतु मामले में शायद कांग्रेस ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक सरकार देश में आएगी जो मंदिर भी बनाएगी और तारीख भी बताएगी। और अब जब तारीख बता दी गई है तो भी परेशानी है। उधर उद्धव गुट के संजय राउत तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए निमंत्रण पर ही सवाल उठा रहे हैं। अब ये वो संजय राउत जिनकी पार्टी राम मंदिर के आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका रही है, तो क्या मान लिया जाए कि अपनी सत्ता के लिए विघ्न संतोषियों ने प्रभु राम की सत्ता को ही अस्वीकार करने की ठान ली है? जो खुद को रघुपति राघव राजा राम गुनगुनाते रहने वाले गांधी जी का अनुयायी तो बताते हैं, क्या उन्हें अयोध्या में रघुपति की वापसी पर आपत्ति हो गई है? लेकिन दीपावली जो है वो तो 22 तारीख को है। संगीत रागी जी हैं, अभी जब डिबेट में आ रहे थे तो संगीत जी मेरे को कह रहे कि आप अमन जी अयोध्या की बात कर रहे हैं, अब तो काशी और मथुरा की बात होनी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए संगीत रागी जी का।
आचार्य विक्रमादित्य हैं, सैयद जवाद भाई हैं, विजय शंकर तिवारी हैं, संजय जी हैं और मिर्सा विवेक जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। अच्छा देखिए, जिसके चेहरे पर सबसे ज्यादा मुस्कान है मैं उसी से शुरू करूंगा। किसके चेहरे पर है? चलिए शुरू हो जाए आचार्य जी। 22 जनवरी दीपावली। विवेक जी थोड़ा चेहरा क्यों लटका है? वो जो मुस्कुरा रहे हैं तो पहले सुन लो आपका चेहरा मतलब। हाँ। आ रहा हूं मैं, बताइए आचार्य जी। 22 जनवरी दीपावली। दीपावली ये कहूंगा आनंदोत्सव है। ये इतना दीपावली का प्रभाव है, जब राम भगवान वापस आए अयोध्या में तो कहा जाता है कि 3 महीने तक पूरी अयोध्या में दिवाली ही दिवाली रही, उजाला ही उजाला रहा। तो ये तो इतना सुंदर पर्व है कि जिस चीज के लिए हमारी 30-30, 40-40 पीढ़ियां अपना बलिदान दे चुकी और उस कलंक का विध्वंस होकर स्वाभिमान का निर्माण की सुंदर वेला आ गई है। रोम रोम अभी मुझे बोलते हुए भी मेरी जिस प्रकार की जो आनंद की प्रस्फुटित हो रही है, भाव प्रस्फुटित, शायद आपका भी वही भाव होगा। हमारे आराध्य भगवान का राम धरा की कणकण में व्याप्त है। राम तो कहीं गए नहीं ना, लेकिन हमने जो मूर्त रूप में उनका एक सुंदर आवरण बनाया, आतताइयों ने उसको विध्वंस करने का प्रयास किया, हमारी आत्मा को जिस प्रकार से जो झकझोड़ने का प्रयास किया। मंदिर वास्तविक तौर पर परमात्मा का घर नहीं है, मेरी आस्था का प्रतीक है। उस आस्था पे जिस प्रकार से आतताइयों ने इस देश पे आक्रमण करने वालों ने आघात किया था, हमको तोड़ने का प्रयास किया था। आचार्य जी असल में बहस इस विषय को लेकर है कि प्रभु राम तो सबके हैं भाई, मेरे हैं, सबके हैं, प्रभु राम सबके हैं, ये तो राम का देश है, प्रभु राम सबके हैं, सिर्फ बीजेपी के तो है नहीं। बीजेपी की पार्टी, एक मिनट सवाल सुन ले, पार्टी का तो कॉपीराइट है नहीं प्रभु राम पर या राम मंदिर पर या आस्था पर, हिंदू पर, हिंदुत्व पर। तो फिर ये सिर्फ मोदी को निमंत्रण, प्रधानमंत्री को निमंत्रण, जिसने बनवाया, जिसने विघ्न उपस्थित किया उसको क्यों याद किया जाएगा? कोर्ट के ऑर्डर से बना है ना? कोर्ट के ऑर्डर से क्यों? कोर्ट का ऑर्डर भी किसके कारण? मैं तो ये मानता हूं यदि मोदी ना होता, मैं सुन लीजिए कोर्ट पर बोलिएगा, कोर्ट यहां लगातार विद्यमान था, लेकिन राम मंदिर कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है, कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है, लेकिन किसके कारण से बन रहा है ये हर धारा का, ये भारत का हर बच्चा जानता है। इस बात को ये ना स्वीकार करें। मैं तो धन्यवाद देता हूं ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के जिसके कारण से, मनोयोग के कारण से, विश्वास के कारण से, अदम्य उत्साह के कारण से और समस्त प्रकार की येन केन प्रकारेण आज जो दिन दिखाई दे रहा है वो उसी एक व्यक्ति के कारण से हो रहा है और उनको वो श्रेय दिया जाना चाहिए। विवेक विवेक चीज, हाँ आप बोलिए, चलिए आप बोलिए, अपनी बात रुकिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर क्यों नहीं जाना चाहिए और उनके निमंत्रण से आपत्ति क्यों? उनको निमंत्रण से विवेक चीज, पहला करेक्शन मेरे मित्र आचार्य जी, बड़ा आदर करता हूं मैं इनका, पहला करेक्शन ये है, कोर्ट किसी के कारण से नहीं देता। नहीं नहीं नहीं, सांप नहीं लौट रहा है, सांप क्यों लौट रहे? कोर्ट किसी के कारण से नहीं चलता। चाइना कोर्ट किसी नेता, किसी पार्टी, किसी प्रधानमंत्री, किसी के हिसाब से नहीं चलता। कोर्ट तथ्यों पे चलता है। एक कोर्ट केस चला, कोर्ट केस के बाद एक निर्णय आया, निर्णय का स्वागत पूरे देश ने करा, हमारे देश की माइनॉरिटी कम्युनिटीज ने भी उसका स्वागत किया और उसके बाद मंदिर बन रहा है। तो आप ये मत कहिए कि उन्होंने करा और इसने करा और उसने करा। अच्छा, तो ये पहली गलती, दूसरी गलती, पहले तो देखिए जोरदार थालियां विवेक जी के लिए। मैं बताता हूं क्यों। विवेक जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, कोर्ट तथ्यों पर चलता है। तो आज विवेक जी भी मान रहे कि यह तथ्य है कि वो राम जन्मभूमि है और जो पहले ढांचा था वो विवादित ढांचा था, इसके लिए जोरदार थालियां विवेक जी। आपने बोला तथ्यों पर कोर्ट फैसला लेता है। मैं सिर्फ ये मानता हूं एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी के अंदर जब हम इतने ज्यादा डाइवर्स रहते हैं, इतनी जातियां, इतने धर्म, ये बड़ा नेचुरल प्रोसेस है कि डिस्प्यूट्स होंगी, हमेशा होंगी, लेकिन एक कोर्ट, एक हमारा जो पार्लियामेंट है, मीडिया का अपना एक रोल है चौथे स्तंभ के रूप में, ये इनका अपना एक रोल होता है। मैं उन तथ्यों को किस तरीके से लेता हूं, कोई पार्टी, कोई नागरिक किस तरीके से लेता है? जन्मभूमि है ना? नहीं नहीं, सुन लीजिए, हमें वैसे एक क्लियर कर दीजिए, हम प्रभु राम की जन्मभूमि मानते हैं, अयोध्या को, भारत के सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं जी, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तो डिबेट यहीं पर शुरू हो जाए। अयोध्या प्रभु राम की जन्मभूमि है ना भाई? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उस वजह से बिल्कुल, अयोध्या जन्मभूमि नहीं आपके हिसाब से? मैं तो हिस्टोरियन भी नहीं हूं, मैं आर्कियोलॉजिस्ट भी नहीं हूं, ना मैंने उसके कोर्ट में केस को लड़ा, एक डिस्प्यूट था, कोर्ट ने बोला ये राम जन्मभूमि है, जन तो हिंदू घर में हुआ है, मेरा मैं भारतीय भी हूँ, पिताजी भी आपके साथ, मैं भारतीय भी हूँ, तो उसको भी तिलांजलि दे दी आज। मैं भारतीय भी हूँ, मैं, अगर आप कह रहे हैं हिंदू, मैं भारतीय भी हूँ, इस संविधान को मानना भी है, इस संविधान में अन्य धर्म के लोग भी रहते हैं, कई जातियां भी रहती हैं, सबका आदर होना चाहिए, ये एक कोई जाति विशेष या धर्म विशेष का देश नहीं है,
इसको क्लियर कर लें आचार्य जी, आप अभी नहीं बना है। अरे भाई कोशिश बीच में मत बोलिए सर, एक एक करके बोलेंगे सब समझ पाएंगे। पहले तो अयोध्या प्रभु राम की जन्मभूमि है या नहीं है, अभी विवेक जी को उसी पर संशय है। नहीं नहीं, हमने कोई संशय नहीं, हमने कहा कोर्ट ने कहा वो फाइनल। इस देश में कोर्ट की बात सबको माननी चाहिए, आप उसको माने ना माने, तो आप उसे विवादित ढांचा मानते हैं। हमने कोर्ट को मान लिया, कोर्ट ने कहा भाई राम मंदिर बनना चाहिए आप बनाइए, लेकिन उसके अंदर आज भी प्रधानमंत्री राजनीति कर रहे हैं। अच्छा प्रधान कैसे, प्रधानमंत्री का आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, सभी धर्मों के लोगों के प्रधानमंत्री हैं, सभी जातियों के लोगों के प्रधानमंत्री हैं। आप एक पर्टिकुलर धर्म को, जो कि एक डिस्प्यूट के बाद एक स्ट्रक्चर आज खड़ा हो रहा है वहां पे, आप आउट ऑफ द वे जाकर के एंडोर्स करके क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? और दूसरी बात, धर्मगुरुओं का काम धर्मगुरुओं को करने दीजिए। विवेक जी बिल्कुल सर, तो राजीव गांधी ने जो ताले खुलवाए थे गलत थे? नहीं, राजीव गांधी ने ताले खुलवा दिए राम मंदिर, राजीव गांधी ने जाकर के एक धर्म विशेष को एंडोर्स नहीं किया था। अच्छा ताले खुलवाना गलत नहीं था, प्राण प्रतिष्ठा में जाना गलत है। हाँ सुन लीजिए पहले बात को, प्रधानमंत्री रोज राम का नाम लें, उनका अधिकार है, ठीक, वो एक इंडिविजुअल भी हैं, ठीक, वो जिस मर्जी धर्म का पालन करें, ठीक, लेकिन धर्म गुरुओं का काम जब प्रधानमंत्री करने लगे तो मेरे ख्याल से संविधान खतरे में आ जाता है। विवेक जी मुझे अच्छा लगा, लेकिन यही जब पार्टियां इफ्तार करती हैं तब आपके पेट में दर्द नहीं हुआ होगा शायद? नहीं, यही पार्टियां जब टोपी पहनकर इफ्तार कर तब नहीं होता है। प्रॉब्लम प्रभु राम से ही आप लोगों को प्रॉब्लम। नेहरू जी ने भी इसी तरह का विरोध किया था जब सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन जीर्णोद्धार होना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, अभी तक वही हो रहा है। आपको प्रॉब्लम प्रभु राम से हो सकते हैं, लेकिन राजीव जेटली भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, स्वागत करिए जोरदार तालियों से। राजीव जी मैं आपके पास आऊं, आप देरी से आए लेकिन इसलिए पहले मैं संगीत रागी का कमेंट लूंगा, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। रागी जी, पीएम को मतलब, क्योंकि सरकार, मैं विवेक जी का सवाल ले रहा हूं, सेकुलर है, धर्म नहीं होता सरकार का, तो धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक कार्यक्रम में किसी देश के प्रधानमंत्री का जाना उस तरह से उतना सेकुलर नहीं है एक धर्म के कार्यक्रम में? देखिए हमारे देश का जो पंथ निरपेक्षता है उसमें हम कहते हैं हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम असम्मान नहीं करते हैं, इसलिए किसी धर्म के प्रति तिरस्कार की भावना नहीं रखते हैं। अब रही बात प्रधानमंत्री जी ने, तो इस देश में ऐसे कायर प्रधानमंत्रियों की पूरी एक फेहरिस्त है जिन्होंने हिंदू धर्म को करीब करीब अपमानित किया। कौन? मुझे कहने से कोई गुरेज नहीं है, नेहरू से हम शुरुआत कर सकते हैं। पंडित नेहरू ने, आपने अपना जिक्र किया कि जब सोमनाथ का उद्धार हो रहा था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उन्होंने मना किया कि आप मत जाइए। आप ऑब्जेक्शन अपनी टर्न पर करिएगा सर, विवेक जी आप अपनी टर्न पर करिएगा। नहीं नहीं, क्यों नहीं कह सकते? आप चोर कह सकते हैं, आप प्रधानमंत्री को चोर कह सकते हैं, कार नहीं कह सकते? किसी को चोर नहीं कहा। नहीं, चौकीदार चोर है, कहा था गलत कहा नहीं कहा कभी, जिसने भी कहा गलत आप कायर नहीं कहेंगे नेहरू को, बोलिए ना गलत का, ये गलत शब्द है, चुप रहिए, उनको अपनी बात, गलत शब्द है, करेक्ट करिए आप इसको। देखिए मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भारत का विभाजन हुआ हिंदू और मुसलमान के नाम पर, हुआ मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र मिला, सवाल बहुत बड़ा था हिंदुओं को क्या मिला, हिंदुओं को उनका पूजा स्थल उनके जो मुस्लिम आक्रांताओं इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए पूजा स्थलों पर भी उनका दावा न हो, और उसका यदि जीर्णोद्धार करने के लिए सरदार पटेल आ गया है तो उस पर भी सेकुलरिज्म के नारे को लेकर के जवाहरलाल नेहरू की ये व्यक्ति थी जो बहुत गलत थी, मैं इसीलिए सोमनाथ मंदिर को ले। दूसरी बात, अभी मेरे मित्र बहुत भड़क रहे थे दुर्गा पंडाल में, कौन से वाले मित्र? विवेक जी, अविवेकी श्रीवास्तव हो जाते हैं टेलीविजन, वैसे टेलीविजन से बाहर विवेकी होते हैं लेकिन टेलीविजन पर जैसे ही आते हैं वो अविवेकी हो जाते हैं। मैं इनको पार्टी की मजबूरी होती है, समझना चाहिए आपको, मैं इनको इसलिए बता रहा हूँ कि दुर्गा पंडाल जितने भी आप बंगाल में जाते हैं उन सारों की व्यवस्था की देख रेख जो है वो इन्हीं के लोग करते हैं। और अभी बड़ा एक सर्वे हुआ सीपीएम का, जो मुस्लिम कार्यकर्ता इनके थे, जो मुस्लिम नेता थे, उन्होंने कहा देखिए मैं यदि नमाज या मस्जिद में नहीं जाऊं तो समाज हमें बहिष्कृत कर देगा, इसलिए अपने धर्म के प्रति हमको दिखाना, भक्ति दिखाना मेरे लिए जरूरी है। मजेदार बात देखिए, सीपीएम को वो स्वीकार है यदि उनके नेता मस्जिदों में जाएं, वो स्वीकार है, प्रॉब्लम राम जी से है, लेकिन इनके नेता यदि खुलकर के भगवान राम की बात करें, मैं तो कहता हूं इसलिए
एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री, बड़े दिल का प्रधानमंत्री मिला है, और नरेंद्र मोदी की तुलना में कोई पीछे का कोई प्रधानमंत्री नहीं टिकता। मैं कुछ ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी मैं बात कर रहा हूँ, मतलब खुल करके ये बोल रहा हूँ। मैं से इसलिए कह रहा हूँ कि वो जज्बा, कि भारत के सनातन मूल्यों के प्रति वो आस्था, गहरी आस्था, उसको खड़ा करना, उसको जीवंत करना, उसको ताकत देना, ये इस प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है, इसलिए वो बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र। मतलब कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा संभवतः ऐसे अगर इसको उदाहरण से समझा जाए, जैसे सो कॉल्ड सेकुलर लीडर या ओवैसी साहब, जैसे असद ओवैसी कहते हैं कि भाई देश की एक मुस्लिम बेटी कल को प्रधानमंत्री बनेगी, ठीक बने अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि हिजाबी बेटी देश की प्रधानमंत्री बनेगी, जब हिजाब वाला विवाद था, तो वो मस्जिद आना थोड़ी ना छोड़ देगी, वो मस्जिद आना तो छोड़ नहीं देगी। उसी तरह अगर हिंदू है प्रधानमंत्री, तो वो थोड़ी ना हिंदू अपना वो धर्म छोड़ देंगे, वो मंदिर जाना छोड़ देंगे, हमको तो ही नीड टू बी प्राउड टू बी एज हिंदू। एक मिनट में आ रहा हूं, पहले राजीव जेटली सही जवाब, और जयशंकर आ रहा हूं। बताइए राजीव जेटली जी, प्रधान संजय राउत कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को निमंत्रण क्यों भाई, वो तो वैसे ही चले जाते, और दूसरा विवाद ये है ही कि जो भी विवेक जी ने कहा, बताओ प्रधानमंत्री मंदिर के धार्मिक अनुष्ठान के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में उनका जाना सेकुलर नहीं होगा। राजीव जेटली, देखिए सैकड़ों सालों की लड़ाई है, कोई आज की लड़ाई नहीं थी, भगवान राम के मंदिर की जो मांग थी वो सैकड़ों सालों से चल रही थी, और ये चुनौतियों से 1500 सदी से हम देखते हुए आ रहे हैं कि उसमें भी विवेक जी जैसे लोग होते थे, पीछे भगवान राम हैं, हमारे पीछे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, भगवान राम को ये मानते नहीं हैं। देखिए अभी इनके हाथ के अंदर देखिए, अगर ये धार्मिक ना होते, दो दो अंगूठियां पहन रखी है इन्होंने, वो भी धार्मिक रूप वाली अंगूठियां, तो इसका मतलब ये है कि ये जो लड़ाई है ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो है लड़ाई नहीं है, ठेकेदारी है, और ठेकेदारी जो है इन लोगों ने ली है कि हम कहीं ना कहीं अड़चन पैदा करते रहेंगे, और वही राजनीतिक रूप से अड़चन किसी टाइम पर जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पैदा की गई, किसी वक्त पर राजीव गांधी जी को राजनीतिक मोहरा खेलने के लिए इस कदम को उठाना पड़ा, लेकिन अंदर से उनकी ऐसी भावना नहीं थी। मुद्दा यहां पर केवल इतना है कि हम तो एक ही बात पूछते हैं, भगवान राम को मानते हैं नहीं मानते, नहीं मानते हैं तो देश की जनता निर्धारित करेगी, देश के प्रधानमंत्री भगवान राम पर अपनी आस्था रखे या ना रखे ये भी कम से कम इनको क्लियर कर देना चाहिए। हम तो भगवान राम के भक्त और देश के प्रधानमंत्री भगवान राम के भक्त हैं, और मैं यही कह रहा हूं राजनीति में क्यों लाते हैं नाम, मैं आपको बीजेपी के प्रवक्ता होकर के आप राम का यहाँ पे आप धर्म गुरु बनिए, आप प्रचार करिए, मेडिटेशन सिखाइए, राम नाम की साधना करिए, रोज करिए, तो इसका मतलब आपके बीच में नहीं बोला ना मैं अच्छा भाषण दिया लंबा पहले, मैं कह रहा हूँ प्रवक्ता होने के नाते क्या मैं किसी मजार पे बैठ जाऊं? अरे भैया भगवान राम की पूजा नहीं कर सकता, भगवान राम की पूजा करना अपराध है क्या? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भगवान राम को समर्पित है, बिल्कुल। देखिए आप, मैं कहता हूँ आपकी अपनी आस्था, ये जा सकते हैं किसी मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, आजादी है। अच्छा देखिए प्रॉब्लम मैं बता देता हूं, आजादी है विवेक जी, आप शांत रहेंगे, मैं जानता हूं आप परेशान है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से, आपके चेहरे पर दिख रहा है, लेकिन सर होता है ना विघ्न संतोष, यार शुभ कार्य में होते हैं, यार शुभ कार्य में होता है, कोई भी शुभ कार्य शुरू, मैंने पहले भी बोला प्रभु राम की ताजपोशी, परेशान है विवेक जैसे विघ्न संतोषी, आ रहा हूं सर पहले पूरा करने दीजिए, मैं केवल एक ही बात कर रहा हूं, ये देखिए हमने पता नहीं कहां से एक सेकुलर शब्द, पहली बात तो सेकुलर कोई शब्द ही नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर कोई शब्द ही नहीं है, दूसरी बात कॉन्स्टिट्यूशन है सर, मैं आपको बता कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनकी मैनिपुलेशन है, बता रहा हूं ना मैं आपको अरे भाई मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन्हीं की मैनिपुलेशन है। अब ये देखिए राजीव जी, एक मिनट विवेक जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें आपकी आस्था है, बिल्कुल है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की मूल पति में तो प्रभु राम की भी तस्वीर है, नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ? हिंदू राष्ट्र नहीं है। नहीं, कंफ्यूज हो गया। एक गुडविल के जेस्चर में सुन लीजिए, क्योंकि मेजॉरिटी हिंदू थी, एक ही पन्ना नहीं है। नहीं नहीं, एक मिनट, राम दरबार है ना, अकबर का भी दरबार है, चेहरा क्यों कर गया, राम दरबार है, नहीं नहीं राम दरबार है तो इसका मतलब क्या, जय श्री राम बोल के चैलेंज करेंगे। अब राजीव जी कंप्लीट कर लो, उसके बाद मेरे को विजय शंकर तिवारी और सही जवाब के पास जाना है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, देखिए विवेक जी बिल्कुल ठीक है, विवेक जी जैसे लोगों ने हम पर राज किया है, हमारी हमारी विचारों पर राज किया है, हमारी मानसिकता पर राज किया है, उसकी वजह मैं वजह बता, जब भी हम सेक्युलर शब्द कहीं पर भी बॉलीवुड की मूवी में दिखाते थे,
किसी और जगह पर दिखाते थे, नाटक जो ये लोग करते हैं कई कई जगहों पे वहां दिखाते, जब भी ये सेकुलर दिखाते थे तो वहां पर ना मंदिर होता था ना गुरुद्वारा होता था। ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा बच्चों, जाकर के गूगल करिएगा, जहां पर भी सेकुलर शब्द आएगा वहां आपको एक मस्जिद जरूर है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, रिपीट करिएगा, काल्पनिक चीजें मैं आपको ये बता रहा हूं, सेकुलर दिखाने मतलब इस्लामोफोबिया मत फैलाइए, इस्लाम सेकुलर का मतलब इस्लामिक है, ऐसा कुछ नहीं है, इस्लाम दिखाने के लिए सेकुलर दिखाना पड़ता था बस। सर हो गया, पहले विजय शंकर तिवारी, फिर अच्छा चाहिए सही है जवाब, पहले आप बोल लीजिए फिर विजय शंकर। जितनी जनता में लोग हैं अमन भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई, आज जितना अच्छा कवर फायर सरकार को आप देते हैं इतना अच्छा मुझे लगता कोई नहीं दे सकता। मैं इस के लिए मैं आपकी तारीफ करता हूं, प्रॉब्लम है मैं जानता हूं। अरे नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए आइए टॉपिक पर। मैं देखिए क्या है, अभी आपने बड़ा अच्छे से ट्विस्ट किया और मैं बार बार देखता जितना अच्छा आप कवर फायर देते इसीलिए तालियां बजवाई। आपने कहा प्रभु श्री राम जी की जो है संविधान के ऊपर फोटो है, अकबर की भी है, उसका जिक्र नहीं करते हैं तो अकबर का। अब पूरी बात अच्छा, समझिए पूरा खामोश के थोड़ा सा मोहब्बत से सुन लीजिए, हम तो मोहब्बत की बात करने वाले लोग हैं। अब बड़ी मोहब्बत है, उसमें जो है गौतम बुद्ध जी की भी है, महावीर जी की है, तो उसका संबंध ये था कि भारत जो है सभी जातियों को सभी धर्मों को साथ लेकर के मोहब्बत से चलने का नाम जो है वो भारत है। आप चाहते हैं कि नहीं सिर्फ एक ही मानसिकता चले, एक ही आइडियोलॉजी देश के अंदर चले, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत एक गुलदस्ते के तरीके से है जिसमें तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह के रंग हैं, लेकिन आप उस चीज से निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत जमाने से वो दिया जा रहा है एक डोज, उससे नहीं गए। भगवान श्री राम के ऊपर सभी सम्मान करते हैं और बहुत से यहाँ पे बहुसंख्यक तमाम जितनी भी पार्टी के लोग हैं मैक्सिमम वो अपनी आस्था रखते हैं, लेकिन नहीं मैं सम्मान करता हूँ आचार्य जी, बीच में नहीं प्लीज आचार्य जी, गलत बिल्कुल बन रहा है आचार्य जी, बीच में नहीं। देखिए लोकतंत्र के अंदर, अगर हम लोकतंत्र के अंदर जीवित हैं और लोकतंत्र को जीते हैं तो संवाद भी होगा विवाद भी होगा, लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होंगे लेकिन उसके बावजूद भी हम भारत के ऊपर और संविधान के ऊपर यकीन करते हैं और सबको साथ लेकर के चलते हैं, आपत्ति किसी चीज के नहीं। अगर नहीं होता तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जाता, क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में हिंदू कम्युनिटी के लोग नहीं? ममता बनर्जी भी हिंदू कम्युनिटी से आती है, नीतीश कुमार भी हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, अखिलेश यादव भी हिंदू कम्युनिटी से आते हैं, उद्धव ठाकरे भी आते जाएंगे। अरे समर कर ले, 24 से पहले ये लोग राम मंदिर जाएंगे? नहीं नहीं, देखिए राम मंदिर जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं, इतने सनातन के सफाई वाले हैं या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, क्या आप उनको सनातनी नहीं मानते? नहीं बिल्कुल नहीं मानता। आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं सनातन का? आप सर्टिफिकेट देने लगे सनातन का? आपको किसने दिया सर्टिफिकेट? किसी को हिंदू कहने का ना कहने का, नहीं नहीं ये गलत शब्द है, आप सर्टिफिकेट नहीं दे सकते किसी को। जो सनातन के सफाई की बात करेगा अच्छा, मेरी नजर में वो राम द्रोही है, सनातनी नहीं है, सनातन द्रोही है। नहीं नहीं, आज डीएमके वाले नेता ने बोला, कौन सनातनी? आज डीएमके के नेता ने बोला, आप जो सनातन के सफाई की बात करेगा पॉलिटिकल पार्टी के लोग। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, नहीं सारे अखिलेश यादव मंदिर जाते नहीं जाते? नहीं मैं बोलता हूं आपको, नहीं नहीं अखिलेश यादव मंदिर जाते नहीं जाते? सर वो तो राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाली पार्टी है, मेरे समझ बुलवाइए, ममता बनर्जी राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग हैं वो। राहुल गांधी साहब जाते हैं ना? राहुल गांधी साहब जाते हैं। चलिए बोलिए, प्रियंका गांधी आपके पेट में क्यों दर्द होने लगा? कितना कवर फायर देंगे भाई बीजेपी को? चलिए ठीक है, अब उनको इतनी कवर की जरूरत नहीं है। देखिए क्या है, 5 राज्यों के चुनाव है, आप लोगों को बता दूं, और 2024 के अंदर भी चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 5-0 से हार साफ दिखाई दे रही है, मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़, और 2024 के अंदर इनके पास मूल मुद्दों पे बेरोजगारी पे महंगाई पे लड़ने के लिए चुनाव नहीं, मूलभूत समस्याओं पे बात ना हो, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग और तमाम लोग उनके तरफ से बैटिंग करते हैं ताकि युवाओं की बात ना हो, उनको आने वाले समय में रोजगार किस तरीके के मिलेगा उस पे बात ना हो, ठीक है, किसानों की आय दोगुनी होने का वादा करा तो उसके ऊपर कोई बात नहीं। शंकर तिवारी जो है वो नैरेटिव चलाने का इरादा है, मुझे भी भरोसा है, सबको बचना है। देखिए इस चीज का आप लोग भी भरोसा रखिए, जिन लोगों ने सनातन की तुलना HIV से करी है, जिन्होंने सनातन के पहले बोलिए बताइए अटल बिहारी वाजपेयी की दौर में क्या डीएमके से गठबंधन था या नहीं था? अब मैं बोलूं आप? नहीं था या नहीं था? बीच में विजय शंकर तिवारी पूरा फैक्ट बताइए, आधा बताते फिर लोगों को गलत फहमी हो जाती है। चलिए अभी देखिएगा, प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जवाद भाई को भरोसा है कि पूरा ऑपोजिशन जाएगा, आप भी यही है मैं भी यही हूं, 24 के चुनाव की वजह से तुष्टीकरण की मजबूरी, प्रभु राम से है जरूरी दूरी, ये लोग नहीं जाएंगे। आपको प्रॉब्लम ये है, मैं विजय शंकर तिवारी आपके पास आ रहा हूं, विजय शंकर तिवारी आपको लगता है जब बुलाया जाएगा तो ये लोग जाएंगे? संजय जी आपके पास भी आ रहा हूं, इनको बुलाना चाहिए जाना चाहिए? अमन जी पहले तो आप बता देते हो, मोहब्बत की बात करना और मोहब्बत करना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, इस पर बहुत विमर्श कर चुके हैं, बहुत चर्चा कर चुके हैं, तो मोहब्बत करने की बात करो, मोहब्बत की बात करने वाले तो बहुत लोग हैं, मोहब्बत करने की बात करिए। दूसरा आज तो राम मंदिर का विषय है अमन जी,
और मैं कल जब चंपत जी और नृपेंद्र मिश्रा जी और हमारे कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी महाराज, पेजावर स्वामी जी, ऐसे पांच लोग प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण देने गए, उन्होंने स्वीकार कर लिया। मैं वो समय भी बता देता हूँ, 22 तारीख को 12:20 पर ये प्राण प्रतिष्ठा होगी। वो निमंत्रण पत्र वहाँ गया है और वो निमंत्रण पत्र उन सबको जाएगा देश में जिन 12.5 करोड़ परिवारों ने तन मन धन से श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने के लिए किसी प्रकार का कोई भी सहयोग दिया है, उन सबको ये निमंत्रण पत्र जाएगा और विधिवत वैसे जाएगा जैसे सनातन पद्धति होती है। तीर्थ क्षेत्र न्यास बाकायदा एक लिखा हुआ छपा हुआ निमंत्रण पत्र और पीले चावल लेकर के हमारे कार्यकर्ता हर उस घर तक जाएंगे जिन्होंने इस काम में सहयोग किया है और जिन्होंने रोड़े अटकाए उनको क्या जाएगा? मैं बताता हूँ मंदिर में जो भी जाता है, विवेक जी भी जाएंगे, किसी भी मंदिर में विवेक जी को आज तक मना नहीं किया गया होगा, आप भी जा सकते हैं, लेकिन निमंत्रण पत्र रिश्तेदारों को दिया जाता है जिनका आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में कोई सहभाग होता है, उनको निमंत्रण पत्र दे दिया जाता है। कभी किसी परिवार में किसी विरोधी को निमंत्रण पत्र देते हुए देखा आपने? निमंत्रण पत्र उनको दिया जाएगा जो इस अभियान में इस भव्य मंदिर के लिए सहयोग किया है। मतलब आप कह रहे हैं रामद्रोहियों को निमंत्रण पत्र नहीं जाएगा? भाई कैसे जाएगा, बेमन से आएंगे, पता तो लगेगा कौन राम के साथ है कौन ये है। तो मैं बता दूं, ऐसी सुनी ना, अभी देखिए संसद सत्र के उद्घाटन का निमंत्रण पत्र गया, वहां नहीं आए। उसके बाद सेंगोल की स्थापना वाला भी गया, उसमें भी नहीं आए। ये लाल किले की प्राचीर पर भी कुर्सी खाली रह गई थी। अब ये राम मंदिर वाला भी निमंत्रण पत्र अगर जाएगा तो देखेंगे ना कौन कौन आएगा। अमन जी जो अभी गला फाड़ के चीख रहे हैं कि हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया, बुलाने पर कितने जाएंगे? एक उदाहरण बता, दिग्विजय सिंह जी गला फाड़ फाड़ करके मंदिर नहीं बनाने देने के सारे प्रयासों की बात करते थे और 1,00,000 रुपए का उन्होंने अनुदान दिया। तो जिन्होंने अनुदान दिया है, मैंने कहा जिन्होंने अनुदान किसी भी प्रकार का सहयोग किया है उनको निमंत्रण पत्र जाएगा। मैंने एक उदाहरण आपको दिग्विजय सिंह जी का आपको दिया है, आप किसी प्रकार के प्रतिमान समझते रहिए। और एक बात अंत में और कह देता हूं कि हमने कहा मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, अब हमने मंदिर भी बना दिया और वहां प्राण प्रतिष्ठा भी कर रहे हैं। तो ये जो हमने कहा वो हमने किया। मोहब्बत करना और मोहब्बत कहना दोनों की बात में जो अंतर है वो सापेक्ष हमारे साथ है, जो हमने कहा वो किया। संजय जी जवाब मिल गया मेरे ख्याल से। संजय राउत जी को जो सवाल था, जिनकी तरफ से सहयोग या जिनका योगदान उनको मिलेंगे, प्रभु राम का न्योता उनको मिलेगा। संजय जी तो अब तो जवाब मिल गया मेरे ख्याल से। देखिए सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जय श्री राम। विवेक जी बोल दीजिए, चेहरा क्यों लटक गया? जय श्री राम। बोलिए बोलिए। हैं जी 500 साल के, अच्छा चलिए बोलिए जी, जय श्री राम। 500 साल के प्रयास के बाद जहाँ ना जाने कितने हिंदू राजाओं ने राम मंदिर को बनाने के लिए अपनी बलि दी युद्ध करके मगर नहीं छुड़ा पाए, और आजाद भारत में जिस तरह से राम मंदिर के लिए राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया और जिस तरह से उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी ने और बाला साहब ठाकरे ने इस रण को अपने हाथ में लिया कि मंदिर वहीं बनाएंगे, और ये सपना आज हम हिंदुओं का पूरा भी हुआ। और ये हम हिंदुओं के लिए, इस पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए आज जो ये 2024 में जिस तरह से राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है उसका हम सबके लिए इतने गर्व की बात है कि जिसके लिए मुझे लगता है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के हाथ के अलावा कोई दूसरा और बेहतर हाथ हो ही नहीं सकता। मगर तो संजय राउत गलत बोल रहे हैं, संजय राउत जी भी सही बोल रहे हैं। मगर संजय राउत बोल रहे हैं कि उनको न्योता क्यों, आप कह रहे हैं उनके हाथ के अलावा कोई और हाथ हो नहीं सकता। मैं बताता हूं संजय राउत से बड़े नेता हैं, इस पर भी आ रहा हूं, इसी पर आ रहा हूं। संजय राउत सही है नहीं? इस संजय राउत जी बिल्कुल सही है, तो वो तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री को न्योता आने दीजिए, इसी बात पर आने दीजिए, पहले आ जाइए ना, इसी पर ही आ रहा हूं। हां इसी पर आ रहा हूं, अब नहीं, पीएम को न्योता गलत, पहले नहीं आना था अभी आना था। अच्छा, अब आना था पीएम को न्योता गलत? नहीं तो संजय राउत अगर नहीं, संजय राउत सही, वो भी सही है। आप सुनिए, आप इसका जवाब सुनिए, आप राजनीति में रहिए, अब इसका जवाब सुनिए आप। हम देख रहे हैं कि किस तरह से आज के इस चलन के अंदर, सर मैंने भाषण के नहीं बुलाया आपको, नहीं भाषण भी दे रहा, मैं इसी पे आ रहा हूँ, चुनावी उसी जवाब पे आ रहा हूँ, संजय राउत जी के जवाब पे आ रहा हूँ। आइए, हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग अपने
पुराने साथियों को भूल जाते हैं और आगे निकल जाते हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर को बनाने के लिए अगर किसी ने सबसे ज्यादा अहम रोल अदा किया तो लाल कृष्ण अडवाणी साहब थे या बाला साहब ठाकरे परिवार थे। मुझे लगता है कि सबसे पहला निमंत्रण लाल कृष्ण अडवाणी जी को जाना चाहिए था और उसके बाद ठाकरे परिवार को जाना चाहिए था, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आते हैं, उससे पहले नहीं आते। ठीक, अब बता दीजिए संजय राउत सही है गलत, पीएम को निमंत्रण जाना गलत, बकौल संजय राउत दोनों बातें सही हैं। है? जो प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण गया वो भी सही है और जो संजय राउत जी कह रहे हैं वो भी सही है। वो तो कह रहे हैं पीएम को निमंत्रण किस बात का, वो क्यों ये बात भी सही है, पीएम साहब को निमंत्रण किस बात का आप मुझे बताइए। अभी आपने कहा कि आप तय कर लीजिए, अभी आपने कहा कि उनके हाथों से बेहतर हाथ कोई शुरुआत हो नहीं सकता है, अब आप कह रहे हैं कि उनको निमंत्रण किस बात नहीं का? जाना चाहिए था, आप शिवसेना की तरह कंफ्यूज हो रहे हैं सर, नहीं जाना चाहिए था निमंत्रण को, नहीं जाना निमंत्रण की बात तो यह मैंने आपको बता दिया, आपने लाइन बदल ली अभी संजय राउत के चक्कर में। नहीं सुनिए, जिस दिन उद्घाटन था ये आदेश प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जाना चाहिए था कि हम आएंगे इसके उद्घाटन करने के लिए। ठीक, ये बरसात में जैसे जीपीएस की हालत होती है ना, वो वही हालत सर, ये चलन जो चल रहा है उसका कारण मैं बता रहा हूं, साथियों को छोड़ करके आगे निकलने का संजय जी एक एक करके साथी वाली बात नहीं कह सकते आप। नहीं नहीं, आप अपने शब्दों को ठीक कीजिए। नहीं नहीं सर, उन्होंने बरसात में जीपीएस की बात करी है, बरसाती मेंढक नहीं बोला सर आपको, बात है जीपीएस वीपीएस कुछ नहीं है, जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अजी छोड़िए सिस्टम को, ये जीपीएस किसको कह रहे हैं, किसको इंटीग्रेशन कह रहे हैं आप? राजनीति की गंदगी में जब आप फंसते हैं ना तो यही दशा होती है। गोलियां चली सही है, नहीं नहीं नहीं, भक्तों पर गोलियां चली, आप पूछ रहे किस कंडीशन में, अरे किसी भी कंडीशन में क्यों चलेगी गोलियां, क्यों चलेगी गोलियां सर, उनको ज्यादा खुलकर बोलने के लिए कहेंगे आप खड़े नहीं हो पाएंगे, एक एक करके बात करते हैं आराम से। आप इनके प्रोफेसर हैं क्या, शांत रहिए ना, आप घर वाले पढ़ाएंगे ना, आप बताएंगे क्या इनको, जबरदस्ती में शांत रहिए, मैं भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, बस आप चुप रहिए, बस पढ़ा रहे हैं, बताइए, बस आप चुप रहिए, बस। अभ्यास किया, सैन्य अभ्यास में कई टैंक समेत इजराइल के सुपर कमांडो शामिल हुए। हमास से जारी युद्ध के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया, कहा बंधकों की रिहाई तक जंग चलती रहेगी। हमास का नामो निशान मिटाने की कसम खा चुके इजराइल ने गाजा में हवाई हमले की तैयारी तेज कर दी और इसके लिए इजराइल अपने जवानों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल का हवाई हमला है जारी, इस दौरान इजराइल की सेना एमपीआर 500 बम का इस्तेमाल कर रही है जो जमीन के अंदर मौजूद बंकरों को नष्ट करने में सक्षम है। इजराइल और हमास युद्ध को लेकर हमास नेता का बड़ा बयान सामने आया, हमास नेता के मुताबिक इजराइल से जारी ये जंग इतिहास का चेहरा बदल देगी। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत, गाजा में सबसे ज्यादा 6,500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसराइल और हमास के बीच जारी जंग हुई तेज, हमास के हमले में इसराइल के 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसराइल के हमले में गाजा में 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई जिसमें 3,000 बच्चों के होने का दावा किया गया। गाजा में मौत का आंकड़ा 2014 में हुई हमास और इसराइल की जंग में मारे गए लोगों से 3 गुना ज्यादा बताया गया। 2014 में हमास इसराइल जंग में करीब 2,000 लोगों की जान गई थी। गाजा के खान यूनिस में अस्पताल के ऊपर उड़ता दिखा इसराइल का फाइटर जेट, फिलिस्तीन ने फाइटर जेट का वीडियो जारी किया। इसराइल की सेना ने फाइटर प्लेन से लेबनान बॉर्डर के करीब हवाई हमला किया जिसमें उसने हिजबुल्ला के एक एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया। गाजा में अस्पताल के बाहर इसराइली हवाई हमले के शिकार लोगों के रिश्तेदार एक दूसरे को सांत्वना देते नजर आए। ईंधन और जरूरी चीजों की आपूर्ति नहीं होने से अस्पताल के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसराइल और हमास में जारी जंग के बीच अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सीरिया पर हवाई हमले किए, अमेरिका ने ईरान के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। सीरिया में जवाबी हमले पर पेंटागन का बयान, कहा अमेरिकी सेना ने पूर्वी सीरिया में ईरान के मिलिट्री बेस से जुड़े 2 जगहों पर हमले किए। पश्चिम एशिया में अपने सैन्य अड्डे पर हमले के बाद अमेरिका ने जंग की तैयारी शुरू कर दी, अमेरिकी सेना इराक और सीरिया में मिलिट्री ड्रिल कर रही है। सीरिया और इराक में पिछले एक हफ्ते में अमेरिका के सैनिकों पर 12 से ज्यादा बार हमले हो चुके हैं। दोनों देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर रॉकेट और ड्रोन से अटैक हुए जिसमें 12 लोग घायल हुए। सीरिया और इराक में अपने मिलिट्री बेस पर हुए हमले पर अमेरिका के रक्षा मंत्री का बयान, कहा हम ऐसे हमले को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने सैनिकों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे।
सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिका का बयान, का ईरानी ठिकानों पर हमले का इसराइल और हमास जंग से कोई संबंध नहीं है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने 900 सैनिक तैनात किए, हालांकि इन सैनिकों की तैनाती कहां हुई है इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। इसराइल हमास जंग के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला, इसराइल को अमेरिका से वायु रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए 2 आयन डोम सिस्टम मिलने का दावा किया। अमेरिका से मिले 2 आयन डोम सिस्टम को सीमा पर तैनात करने की तैयारी में है इसराइल, ताकि गाजा पट्टी से आने वाली हमास की मिसाइलों को वक्त रहते ढेर किया जा सके। हमास के लड़ाकों और उनके समर्थकों पर इसराइल की सेना की कार्रवाई है जारी, वेस्ट बैंक के जेनिन में आईडीएफ ने छापेमारी की। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में ईंधन खत्म होने की चेतावनी दी, कहा गाजा में मजबूरन राहत अभियानों को रोकना पड़ेगा। यूएन की राहत एवं कार्य एजेंसी की प्रवक्ता ने गाजा के हालात पर गंभीर चिंता जताई है, दूसरे देशों से गाजा में ईंधन सप्लाई करने की मांग की गई है। इसराइल के हमले में गाजा में भारी तबाही हुई, हमले में 29,000 घर पूरी तरह बर्बाद हुए हैं। गाजा में इसराइल के ताबड़तोड़ हवाई हमले हैं जारी, पूर्वी गाजा में भारी गोलीबारी के बाद झड़प होने की खबरें हैं जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। हमास ने इसराइल से हमले रोकने के बाद ही बंधकों के छोड़े जाने का दावा किया, इसके साथ ही इसराइल के हमले में अब तक 22 बंधकों के मारे जाने की बात कही। इसराइल के हमले के बीच हमास का बड़ा बयान, कहा गाजा पर हमले रोकने की मांग के लिए लोगों को अपनी आवाज उठानी चाहिए। हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के रिश्तेदारों ने स्पेन के मैड्रिड में अधिकारियों से मुलाकात की और बंधकों की जल्द रिहाई करवाने की मांग की। इसराइल के समर्थन में उतरा यूरोपीय संघ गाजा के हालात पर चिंता जताई और मानवीय सहायता तेज करने की मांग की है। गाजा के हालात पर ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अगर गाजा पर हमले नहीं रुके तो इस जंग की आग अमेरिका तक भी पहुंचेगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के राजदूत ने इसराइल पर बर्बरता का आरोप लगाया, साथ ही पूरी दुनिया से गाजा में जिंदगी बचाने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में जॉर्डन के विदेश मंत्री ने जंग के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया और कहा गाजा में इसराइल ने मासूम बच्चों तक की जान ली है। बेल्जियम में फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों का प्रदर्शन, ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन स्थल के बाहर जमा हुए लोग इसराइल युद्ध विराम की बात की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को हमास को कुचलने का निर्देश दिया और कहा कि जंग अब अंतिम चरण में है। इसराइल की सेना ने 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों की बर्बरता का वीडियो जारी किया, आतंकियों के हमले में कई नागरिकों की जान गई थी। लेबनान में हिजबुल्ला के आतंकियों के खिलाफ इसराइल के विदेश मंत्री का जंग का ऐलान, कहा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम लड़ते रहेंगे। आईडीएफ के जमीनी हमले के बाद हमास के आतंकियों ने गाजा से इसराइल पर कई रॉकेट दागे हैं, फिर एक बार आयन डोम ने सभी रॉकेट को मार गिराया है। इसराइल के तेल अवीव में हमास के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं लोग, हमास से बंधकों को रिहा करने की मांग की। इसराइल की सेना ने गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों पर हमला किया, हमले में हमास के कई आतंकी ठिकाने तबाह हुए, हमास का गोला बारूद डिपो भी ध्वस्त होने का दावा किया। इसराइल और हमास युद्ध के बीच ईरान ने बड़े स्तर पर सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास की घोषणा की, ईरान को अमेरिका ने बड़े हमले की चेतावनी दी। इसराइल ने ईरान पर हमास के आतंकियों को ट्रेनिंग और हथियार देने का आरोप लगाया, 500 से ज्यादा आतंकियों को ट्रेनिंग देने का दावा है। जमीनी हमले के बाद इसराइल के लड़ाकू विमानों ने गाजा में ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए, हवाई हमले में गाजा को बड़े नुकसान का दावा किया। इसराइल के खिलाफ जंग के लिए गाजा में बड़े स्तर पर भर्ती अभियान चल रहा है, अब तक 30,00,000 से ज्यादा लड़ाकों की भर्ती की गई है। इसराइल की सेना ने गाजा बॉर्डर से लगे शहरों में हमले का अलर्ट जारी किया, हमास की तरफ से बड़े हमले की आशंका जताई, नागरिकों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए कहा गया। लेबनान में इसराइल की सेना के हमले में हिजबुल्ला के 2 और लड़ाके ढेर हुए, 7 अक्टूबर से अब तक हिजबुल्ला के 46 लड़ाके मारे जा चुके हैं। इसराइल से जारी जंग में गाजा की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा, एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा को फिर से खड़ा होने के लिए अरबों डॉलर की आर्थिक मदद की जरूरत है। गाजा में इसराइल की जमीनी हमले के बाद हमास ने किया पलटवार, इसराइल में कई मिसाइलें दागी, और भी बड़ा हमला कर सकता है हमास। इसराइल के खिलाफ हमास के आतंकियों के नए प्लान का पर्दाफाश, गुरिल्ला युद्ध की तैयारी कर रहे हैं हमास के आतंकी, गाजा में गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग जारी। हमास के आतंकियों ने गाजा में सुरंगों का जाल बिछाया है, सुरंगों में ही हथियारों का जखीरा जमा किया, सुरंगों से ही आतंकी इसराइल पर रॉकेट हमला कर रहे हैं। इसराइल की सेना ने गाजा में हमास की सुरंगों को तबाह करने का प्लान बनाया, चुन चुनकर इसराइल के आतंकियों को सुरंग पर रॉकेट और बम बरसा रही है।
गाजा में हमास की सुरंगों से आतंकियों को बाहर निकालने के लिए इजराइल की सेना का प्लान तैयार है। सुरंगों में भूमध्य सागर से पानी भरने की योजना। सुरंगों से बाहर आते ही आतंकियों को मार गिराएंगे सैन्य। इसराइल ने 7 अक्टूबर के हमले का एक और वीडियो जारी किया। वीडियो में इसराइल के सैनिक बहादुरी के साथ नागरिकों को बचाते दिख रहे हैं। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमले के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जांच के आदेश दिए। कहा सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। इसराइल पर हमले के लिए हमास ने 2 साल तक प्लानिंग की थी। पश्चिमी मीडिया का दावा, सुरंगों में लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल हमले की प्लानिंग में किया गया है। इसराइल से युद्ध के लिए हमास के 500 लड़ाकों को ईरान में ट्रेनिंग देने का दावा। अमेरिका के एक अखबार ने दावा करते हुए कहा कि ईरान ने आतंकियों को बंधक बनाने की ट्रेनिंग दी थी। हमास के साथ जारी युद्ध में मारे गए इसराइल के 310 सैनिकों की पहचान हुई। परिवारों को सौंपे जाएंगे सैनिकों के शव। इसराइल ने दक्षिणी सीमा पर और बढ़ाई है सुरक्षा। हमास के बड़े हमले की धमकी के बाद इसराइल ने बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद सैन्य वाहन वहां तैनात कर दिए हैं। हमास ने बंधक बनाए गए लोगों पर बड़ा बयान दिया। इसराइल के हवाई हमलों में 50 बंधक के मारे जाने का दावा किया। इसराइल से बंधक बनाए गए लोगों पर ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा दावा। कहा हमास बंधकों को रिहा करने को तैयार है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा बंधकों की रिहाई पर कतर और तुर्की के साथ हमास से बातचीत के लिए ईरान तैयार है। इसराइल के युद्ध कैबिनेट ने प्रदर्शनकारियों पर बड़ा फैसला लिया। प्रदर्शन के दौरान रास्ता रोकने और हालात बिगड़ने पर पुलिस को गोली मारने का आदेश दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में 1600 लोगों के लापता होने का दावा है, जिसमें 900 बच्चे भी शामिल है। लापता लोगों के मलबे में दबे होने की भी आशंका। इसराइल हमले के बाद गाजा में स्थिति बदतर हुई। लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं का भी अभाव, महामारी फैलने का भी खतरा बढ़ा। इसराइल हमास जंग का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत पर असर पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमत फिर 1% बढ़ी। इसराइल और हमास के बीच 21वें दिन भी जंग है जारी। अमेरिकी कंपनी ने गाजा के युद्ध से पहले और बाद की तस्वीर को जारी किया, जिसमें चारों ओर तबाही के निशान दिखाई दिए। गाजा में हमास के ठिकानों पर इसराइल की सेना के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। हमले में 77 लोगों की मौत का दावा। इसराइल से जारी जंग में गाजा से अब तक 2700 से ज्यादा लोगों और 1584 महिलाओं की मौत हुई है। हमास ने रफाह सीमा खोलने के लिए मुस्लिम देशों से बड़े स्तर पर प्रदर्शन की मांग की, साथ ही इसराइल के खिलाफ एकजुट होने को कहा। इसराइल के ईंधन देने से इनकार के बाद गाजा के अस्पतालों में हालात बिगड़े। आपातकालीन वार्ड को छोड़कर सभी वार्डों में काम बंद है। WHO ने गाजा में मूलभूत सुविधाओं के अभाव होने की बात को कहा है और कहा कि ईंधन की कमी की वजह से 35 मैंने कहा क्यों इनके क्यों ऐसी दुविधा है, कैसी GPS टाइप्स? लेकिन इनकी इनका हृदय तो वही है जो हमारा है, जो तिवारी जी का है और जो आचार्य जी का है, जो जवाब जी का है। लेकिन राजनीति की गंदगी में जब आप फंसते हैं ना, तो यही दशा होती है। राजनीति की गंदगी में इनको ये समझ में ही नहीं आता है कि हम सच बोलें या झूठ बोलें। कभी सच की तरफ आते हैं, कभी झूठ की तरफ जाते हैं, और ये दुर्दशा इनके सामने आपको दिखाई। इसी को दुर्दशा कहते हैं। इसी को एक तरफ ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं, और मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि जिन जिन बातों को जिन चीजों को उन्होंने उठाया कि भाई कांग्रेस को क्यों निमंत्रण नहीं, तो कांग्रेस ने तो कहा राम मिथ्या है। उस पर भी दूसरी बात, समाजवादी सब एक एक करके समाजवादी पार्टी के बारे में बात किया। समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। कांग्रेस पार्टी ने ये वामपंथी पूछ रहे किस कंडीशन में गोलियां चली, सही है? किस कंडीशन में चली उनको बताइए। गोलियां चली सही है? गोलियां चली सही है? नहीं, सुनिए, राम भक्तों पर गोलियां चली, आप पूछ रहे किस कंडीशन में? अरे किसी भी कंडीशन में क्यों चलेगी गोलियां? एक भीड़ किसी भी कंडीशन में क्यों? राम भक्तों पर गोलियां, राम भक्तों पर गोलियां। सुनिए ना सर, पहले पूरी बात आप पढ़े लिखे नहीं सर, मैं सुनूंगा ही नहीं। किसी भी स्थिति में इस बात को सही नहीं कहा जा सकता। आप सुन लीजिए पहले, इनके बाद किसी भी स्थिति में सही नहीं कहा जा सकता। लाल कृष्ण आडवाणी को लालू प्रसाद यादव ने रोका, इनके बाद आप बोलेंगे। देखिए इनको जानकारी नहीं है, निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। उन समय गोलियां नहीं चली थी जब कोई वो जाकर के तथाकथित वो विवादित ढांचे पर कोई प्रहार कर रहे हो, उसमें गोलियां नहीं चली थी। सरजू पार करने वाले निहत्थे कारसेवकों पर मुलायम सिंह की सरकार ने गोलियां चली थी। सरजू का पानी रक्त से लाल हो चुका था। ऐसे सरकार को स्वामी प्रसाद मौर्य, आप जाकर के देखिए, बिहार के अंदर
रामचरितमानस, लालू प्रसाद यादव, ये सारे के सारे मुस्लिम तुष्टिकरण, उनको लगता है कि ये 14% मुसलमानों का वोट है, हम कैसे अपने पास रहे, क्योंकि हिंदू तो जातियों में बटा हुआ। लेकिन मैं जितना जानता हूं, मेरे ख्याल से भारत के जो मुसलमान हैं वो भी प्रभु राम में उनकी भी आस्था है। नहीं नहीं, ये इन लोगों को लगता होगा, बट मेरे हिसाब से तो 140 करोड़ भारतीय, चाहे सैयद जब मतलब इमाम हिंद कहा जाता है प्रभु राम को, जवाद भाई भी प्रभु राम के मंदिर का इंतजार कर रहे हैं, और अमन चोपड़ा भी कर रहे हैं ना, जवाद भाई आप करिए, कर रहे हैं सारे, क्या ये जरूरी है? देखिए 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 अमन जी, देखिए अमन जी, ये जो गफलत है ना, ये जल्दी से निकाल दिया जाना चाहिए। मेरी गफलत ना, आप अपनी गफलत निकाल दीजिएगा कि इस देश के सारे मुसलमान इसको स्वीकार करते हैं। यदि ऐसा मुसलमान यदि सारे स्वीकार करते ना, तो इस देश में शाहीन बाग खड़ा नहीं होता है, तो इनकी जमानत जब्त हो जाती नहीं, इस देश में फिर हमास के लिए आंदोलन नहीं होते। देखिए मुसलमानों के बीच में, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए मुस्लिम 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 समाज के, जितना खुलकर बोलते हैं उतना आप भी नहीं बोलते, इसलिए शांत रहिए, सुन लीजिए, हम जानते हैं असलियत, सर उनको ज्यादा खुलकर बोलने के लिए कहेंगे आप खड़े नहीं हो पाएंगे, हम एक एक करके बात करते हैं आराम से, ये गलतफहमियों का शिकार हैं आप, बस आराम से निकाल दीजिए गलतफहमियों को, मैं तो इनको कहता हूं सर थोड़ा कंट्रोल, चोट पे सत्य के साथ खड़े होकर के मुकाबला करते हैं भाई, मैं आराम से, हम पीठ दिखा करके नहीं भागते, हम सामने सामने मुकाबला करते हैं, दो चार और ले आइए बैटिंग के लिए, सर 140 करोड़ भारतीय प्रभु राम के लिए बैटिंग कर रहे हैं, नहीं प्रभु आपको प्रॉब्लम है, प्रभु राम आपको प्रॉब्लम है, आपके पेट में दर्द है, आपका चेहरा के नाम पे राजनीति नहीं करी जाती है, इस पूरे विश्व के अंदर आप राजनीति को लेकर के आ रहे हैं, आपकी बड़ी आपत्ति है, चलिए नहीं इनके बाद आप बोलेंगे, सही है, देख बस दो तीन लाइन बोलता हूँ उसके बाद में बंद हो जाऊंगा प्लीज, हाँ देखिए ये हमारे हिंदू समाज के संतों का संकल्प था, तीन मंदिरों को लेकर के, अयोध्या, काशी और मथुरा, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का संकल्प नहीं था, ये किसी संगठन का संकल्प नहीं था, इस देश के हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले, दिशा निर्देश देने वाले, समाज को दिशा देने वाले संतों का संकल्प था कि आताताइयों ने हमारे 40,000 मंदिरों को तोड़ा है, उन मंदिरों में से हम तीन का जीर्णोद्धार चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, अयोध्या का मुक्ति हो चुका है, विवेक जी ने मना कर दिया, मुंडी ला दी उन्होंने, काशी विश्वनाथ और मथुरा, ये दोनों मंदिर का उद्धार होना चाहिए, ये संकल्प हिंदू समाज का होना चाहिए, भी आपके हिसाब से होना चाहिए, अच्छा जिसको लगता है होना चाहिए, क्यों होना चाहिए कोई बताएगा मेरे को, आप बताएंगे, हाँ बताइए सर, मथुरा कृष्ण भूमि है, कृष्ण का जब जन्म हुआ था जो कि स्वयं राम के अवतार है, विवेक जी को डाउट होगा, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि है ना विवेक जी, अभी जो चीज चल रही है वो चलने दीजिए ना, अभी आपको उस पे डाउट नहीं, है नहीं, मुझे तो डाउट है, मुझे तो इस पे डाउट है, डाउट है, मुझे तो इस पे डाउट है, बच्ची को बोलने दीजिए ना विवेक जी, अब ऑडियंस को तो सुनेंगे सर, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं सर, सर मथुरा एक ऐसा स्थान है जो हमें दर्शाता है कि हमेशा बुराई पर, बेटा साइंस फिजिक्स मैथमेटिक्स छोड़ दो जी जी, और मेडिसिन पढ़ना छोड़ दो, सर आपको अब इनसे भी प्रॉब्लम है, बच्चों से लड़ लीजिए आप, विवेक जी आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको नेताओं से लड़ लीजिए, वो बच्चों से भी लड़ रहे हैं, नए नए शिक्षक जो आपको सिखा रहे हैं, आपको सब इनसे मत सीखिए, प्रॉब्लम है सर, रिलीजन किसी भी परिवार से सिखाया जाता है, रिलीजन सर, एक मिनट आप शांत रहेंगे, आप विवेक जी आप रुको, आप इनके प्रोफेसर हैं क्या, शांत रहिए ना, आप घर वाले पढ़ाएंगे ना, आप बताएंगे क्या इनको, आप जबरदस्ती में शांत रहिए, मैं भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, बस आप चुप रहिए, बस पढ़ा रहे हैं, बताइए सर, आज भी हर हिंदू के घर में आज भी गीता पढ़ाई जाती है, रामचरितमानस पढ़ाई जाती है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि कृष्ण भूमि है मथुरा, जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, और वहीं पर श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत होनी थी, सबूत मांग लेंगे अभी आपसे, कहां हुआ था ये सर, खैर और कोई, हाँ हाँ बोलिए बेटा, खड़े हो जाइए, हाँ एक मिनट सर, मेरा विवेक सर को ये बोलना था, सर कह रहे थे कि मतलब आप पढ़िए जाके, तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमने जब पढ़ा है ना, तभी हमें ये सब पता चला कि जो अयोध्या की जो भूमि है वह राम जन्मभूमि है, और जो मथुरा है वहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि है, ये हमको पता चला है सर, सबूतों से ही ये चीजें पता लगी, साल पहले का पुष्पक विमान विवेक जी, विवेक जी शांत रहिए ना,
सर एक मिनट जी, आप पुष्पक प्रमाण पढ़ा करो। सर ऐसा है, मेरी बात सुनिए विवेक जी, एक तो ना ये आस्था पुष्प इस पर सवाल मत उठाइए सर, दूसरी तरफ उठ जाएंगे तो अभी आप शो छोड़कर चले जाएंगे। आप डाइवर्ट कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, बच्चों को इसलिए पुष्पक प्रमाण, जिस बारे में ज्ञान ना हो ना तो शांत रहना चाहिए। मैं अगर दूसरे धन के बारे में बोलूंगा अभी शो छोड़कर चले जाएंगे। हूँ और 2023 में बात करूंगा, मैं बता रहा हूँ अभी बात करनी है, आप चुप रहिए, आप बीजेपी की बात करिए। सर एक मिनट, बच्चे से पूछ रहा हूँ प्लीज। तो सर आप कह रहे हैं कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है सर, सुप्रीम कोर्ट का जब आया है वहां पे, सुप्रीम कोर्ट को तो आप मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, वहां पे जब सबूतों और गवाहों के बाद जब राम जन्मभूमि पे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो आपको क्यों इतना डाउट हो ठीक है एक मिनट और कोई हाँ आई थोड़ा सा आ गया, हाँ पहले आप बोलिए, बोलिए बोलिए। विवेक श्रीवास्तव जी, सर मेरा क्वेश्चन है कि क्या किसी पर्सनल लाइफ को आप कोई व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठ जाए तो क्या उनकी पर्सनल लाइफ छोड़ देना चाहिए? आप बोले पढ़ाई लिखाई करके आया करो, ठीक है, तो विष्णु पुराण के 36वें श्लोक पे लिखा, काशी में ज्ञान मस्जिद, ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं मंदिर है, योष्ठ मूर्ति महादेवा पुराणे परिपट्यते तस्य शाम्भुमयी मूर्ति ज्ञान हृदय ज्ञान व्यापी। और एक सेकंड, जितने भी सेकुलर सूरमा बोलते हैं, ये सब उनके ऊपर से निकलेगा। अब मैं बोल दूं, जो सेकुलर सूरमा की बात करते हो आप लोग, ये सेकुलर शब्द आया का 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1976 में, और सेकुलर देश, इससे पहले देश क्या था, हिंदू देश था, मुस्लिम था। और कोई जी, चलिए हाँ अब चलिए सही है जवाब, अब आप बोलिए 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 सही जवाब। मेरे भाई जी, ए उनके बाद ये देश जो है वो संविधान से चलता है, आस्था की बुनियाद पे नहीं चलता है। अगर आस्था को आप ऊपर रखेंगे, सुन लीजिए, इस देश में तमाम आस्थाओं को मानने वाले लोग हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक ही आस्था के बुनियाद पे देश चलेगा तो देश देश नहीं चलता है, देश सभी को साथ में लेकर के चलने का नाम है। आप चाहते हैं कि देश सिर्फ एक ही आस्था से, एक ही माइंडसेट से चले, तमाम तरीके से लोग हैं, अगर इस बुनियाद पे रहेंगे। और अभी संगीत रागी साहब ने बहुत बड़ा एक झूठ बोला, वो झूठ ये बोला कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और तमाम लोग जो है बनाना चाहते हैं, इनसे पूछिए, इनका जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो इनका वो आया था पहला, जिसको कहते हैं नहीं 1989 के अंदर पहली बार जब इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी करा, पालमपुर के रेजुलेशन के अंदर ये राम मंदिर का मुद्दा लेकर क्या है, उससे पहले जितने भी इनके जो पत्र थे उसके अंदर कहीं जिक्र नहीं था। जानबूझ करके आडवाणी साहब उस रथ यात्रा को लेकर के निकले, और जहां जहां से वो रथ यात्रा निकली वहां वहां दंगे हुए, वहां वहां फसाद हुए, और उस चीज को नहीं मानने का। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के दौर में, रागी साहब अब आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक, आप प्रोफेसर हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, जनसंघ के दौर में, झूठ नहीं, जनसंघ के दौर में तब तक राम मंदिर इनके जो है उसमें घोषणा पत्र में नहीं था। 1989 के अंदर पालमपुर के रेजुलेशन के अंदर सैयद जवाद ने आया गया, पानी की बोतल नहीं मिला, सैयद भाई राजनीति के अंदर धर्म का इस्तेमाल नहीं होना भाई, प्लीज बोलने दीजिए सैयद भाई, अब आप सर मुझे उनके पास भी जाना है, इसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक फायदे के लिए करा। आप देखिए सैयद जवाद ने अपने संबोधन में संविधान शब्द का इस्तेमाल 10 बार किया, इन्होंने बोला जो संविधान में उसको मैं मानूंगा, ठीक सैयद एक मिनट सवाल ले लूं आपसे, आपने बोला जो संविधान में है हम उसको मानेंगे, जो संविधान में लिखा है, संविधान यूसीसी को लागू करने की बात करता है, आप यूसीसी के साथ है, जवाब सुनिएगा हाँ जवाब सुनिएगा, आर्टिकल 44 बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, छोड़िए ना, आप बोलने दीजिए, साथ हैं बोलने दीजिएगा, कब आप संविधान के साथ हैं, कब लेकर के आ रहे, आप साथ हैं बोलिए, कब लेकर के आ रहे हैं, यूसीसी की घोसलेबाजी करना सिवाय झूठ बोलना, लेकर के आइए, इंप्लीमेंट करिए, शंकर तिवारी सर इंप्लीमेंट करिए, यूसीसी आज तक भाई क्या है, 9 साल से घूमरा कर रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं, हमें राजीव जेटली की बातें ना, पहले विजय शंकर तिवारी, विजय हो गया विजय, मैं एक रुकिए रुकिए, चलिए सर राम मंदिर में बोलेंगे तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी, एक मिनट चलिए बस एक मिनट, हो गया, ऑडियो बंद कर दीजिए, इसमें ऑडियो अभी संविधान की बात हो रही थी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कुरान और संविधान में अगर एक चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे, एक मिनट रुक जाइए, जरूर देना। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, एक ही शब्द दे दो ना, कुरान या संविधान, पहले क्या, और झूठ बोल करके इस डिबेट को डिरेल करना ये कदाचित उचित नहीं है। पूरे के पूरे जो राम जानकी रथ यात्रा चली थी,
एक भी व्यक्ति को कोई जवाब सुन लीजिए, हो गया सर। अभी नहीं बोल रहे थे, मैं सुन रहा हूँ, मुझे वाइंड अप करना है, मुझे वाइंड अप करना है जल्दी से। जवाहर कार की कोई भी घटना दुर्घटना नहीं हुई थी, इस पर भी झूठ बोल रहे हैं और सारा देश देख रहा है। चलिए अब राजीव जेटली, एक मिनट, आ रहा हूँ राजीव जेटली बोलिए, एक मिनट सर, एक मिनट आ रहा हूँ राजीव जेटली। नहीं, मैं तो केवल एक बात सोच रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, डिबेट कर रहे हैं ना, अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए इनसे पहले परमिशन चाहिए। इसी आस्था के चलते या इन्हीं बातों के चलते जिनको आपने मैनिपुलेट किया, इन्हीं बातों के चलते आपने इन आस्था वालों को तो समेट दिया थोड़े से इलाके में, बाकी जगहों पर उसी आस्था के प्रति आपने एक देश बना दिया, दूसरा एक और देश बना दिया, वो भी अपनी आस्था के प्रति। मेरा राम, मेरा भगवान, उसकी आस्था के लिए ना इस देश के प्रधानमंत्री को, ना इस देश की जनता को आपकी परमिशन की, आपकी आज्ञा की जरूरत है। और ये देश जो अपने राम के प्रति आस्था रखता है, जो अपने राम के प्रति आस्था रखता है, उसके विरोध में अगर आप लोग हमारे साथ डिबेट करने के लिए आए हैं ना, तो मुझे लगता है अपने आप सीधी सी बात है, धर्म आपकी जो अध्यात्म भगवान राम हो या कोई मुसलमान हो, उसका धर्म हो, इस्लाम हो, ये आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए है, इसको पब्लिक और पॉलिटिकल लाइफ में लाना गलत है, गलत जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और हम प्राइम मिनिस्टर की उस विजिट के इसीलिए खिलाफ है। रागी जी, दर्द, आप तो राम के भी खिलाफ, मंदिर बन रहा है, दर्द हुआ है, आप बोलने नहीं देते उनको। हाँ, आखिरी जल्दी से देखिए, ये सिर्फ कहने की बात है कि धर्म जो है वो व्यक्तिगत होता है। अभी मंगलयान मिशन से पहले वैज्ञानिक मंदिर गए हैं, पहले मंदिर दर्शन हुआ है। नहीं नहीं जी, जब आप वोट देने जाते हैं तब आप इस्लाम के नाम पर आप चले जाते हैं, इस्लाम के नाम पर मुसलमान के नाम पर इकट्ठे हो जाते हैं, तब आप नहीं कहते हैं कि हम बेरोजगारी पर वोट देंगे। नहीं, बेरोजगारी पर वोट नहीं करते। एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हो जिसने बेरोजगारी पर, अभी धर्म के चक्कर में तो गाजा वालों के साथ खड़े हैं आप लोग। आचार्य 9 नवंबर 2019 को फैसला आया था, ठीक, दो जगह दी गई थी मंदिर के लिए और मस्जिद के लिए, मस्जिद बनके तैयार है, मस्जिद का नामो निशान नक्शा तक पास नहीं कराया इन्होंने, इनकी आस्था क्या है वो वास्तविक दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद जवाद, बहुत बहुत शुक्रिया विजय शंकर तिवारी जी, आचार्य विक्रमादित्य, संजय जी, विवेक जी आपका, राजीव जेटली, संगीत रागी आपका, और खासकर भाई आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देश नहीं झुकने देंगे मैं आप समय निकालने के लिए।